तौबा एक ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ एक ऐसी इबादत है जो तकदीर को मात दे सकती है। ज़मीर एक ऐसा साथी है जो हमेशा हक़ की राह दिखाता है। इबादत सिर्फ जाए नमाज पर नहीं होती, ये मीठी ज़बान से, अच्छे अल्फाज से, खूबसूरत रवैयों से, खुश अखलाक़ी से भी होती है। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने ज़रफ़ में वसत, लहजे में नरमी और तबीयत में इंकसारी ना पैदा कर पाया हो। अगर किसी की शख्सियत को पहचानना चाहते हैं तो ये ना देखें कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि ये देखें कि वो लोगों के बारे में कैसे गुफ्तगू करता है। कोशिश करें कि लोगों की रूह को ना ज़ख्मी करें, क्योंकि जिस्म के ज़ख़म की हज़ारों दवाइयाँ, हज़ारों तबीब मिल जाते हैं मगर रूह के तबीब नहीं मिलते। ज़िंदगी में जो भी करना है अल्लाह ताला के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। वो नियतें नहीं देखता है, माजी या अमाल से नहीं परखता, बस जो भी उससे रुजू करता है वो उसे उसकी फरियाद के मुताबिक अता कर देता है, उसके यकीन की लाज रखता है। ये बस यही उसके दर की शान है, बस यही उसकी मोहब्बत की हकीकत है। वो अपने दर से किसी को खाली दामन नहीं लौटाता, ना ही रुस्वा व ख्वार करता है। जिस तरह दरख्त की कीमत इसके फल के हिसाब से होती है, इसी तरह इंसान की कीमत इसके अखलाक के हिसाब से होती है। हर मंजिल को पाने के लिए, हर अंधेरी सुरंग से निकलने के लिए, हर मौज़े के लिए तवक्कल शर्त है। तवक्कल में वसवसे नहीं आते, तवक्कल में तो बस आंखें बंद करके चला जाता है। पता होता है महबूब ने ज़िम्मा लिया है तो पार भी लगा देगा। शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो अल्लाह की राह में मुस्तहिक को भी दे और उसे भी दे जो मुस्तहिक नहीं। अल्लाह तुझे वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक है और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो फिर भी तुम्हें इज्जत और प्यार दे, बेशक वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता है। अपनी पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना अज़ियत की आखिरी हद होती है और इस अज़ियत को सह जाना ही सब्र है। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। बहुत थोड़ा वक्त लगता है उम्रों के ढलने में, लज्जतों के ख़त्म होने में, लोगों की नज़रों से ओझल होने में, चाहतों के ख़त्म होने में, बहुत थोड़ा सा ही वक्त लगता है। जिसकी रात अश्कों से मुनव्वर है उसका नसीब दरख्शंदा है। ये लफ्ज़ भी कितने बाकमाल होते हैं, अनजाने अनदेखे लोगों को दिल में उतार देते हैं और बरसों की पहचान रखने वालों को दिल से उतार देते हैं। डिप्रेशन आ जाए तो इबादत करो, फिर डिप्रेशन आ जाए तो खैरात करो, सदका दो, फिर भी डिप्रेशन आ जाए तो मोहब्बत करो, अगर ज़्यादा डिप्रेशन आ जाए तो मासूम बच्चों को साथ रखना शुरू कर दो। वासिफ अली वासिफ। दिल से माफ़ कर देना दुनिया की सबसे बड़ी खैरात है और अल्लाह को ये खैरात सबसे ज़्यादा पसंद है। आप दूसरों को माफ़ करते चले जाओ, अल्लाह आपकी दर्जे बुलंद करता चला जाएगा। बीमारियां और आजमाइशें सर्दी और गर्मी की मानिंद आती जाती रहती हैं। इंसान अगर समझ ले कि ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है तो वो इनके आने पर गुस्से, बौखलाहट और परेशानी का शिकार ना हो। माफ़ करके आगे बढ़ जाएं इन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात की, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता और जब वो हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर मकसद में नाकाम हो जाएं
تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتا نہ ہو تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ آپ کو دیکھنے والے آپ کی تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ آزمائش کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنا بھی ثواب والا عمل ہے، کیونکہ یہ انتظار کرنا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ جینے کے تو سامان تو دے، مرے وجود کو جان تو دے، دیکھ کر عذاب پلٹتا نہیں دل شکستہ میں ایمان تو دے، بہت متاثر ہے میری سماعت خانے دل میں اذان تو دے، کیوں بھٹک رہا ہے آج بھی بندہ و نداں کو قرآن تو دے۔ اے ہر شے پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنی بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنی بھی یقین آپ کے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ ان سب کو سب کے حق میں بہترین فیصلے فرمائیے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دیجئے، نظر رحمت فرمائیے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہماری اولاد کو بہترین جوڑ نصیب کیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی بختی لکھی ہے تو اسے خوش قسمتی میں بدل دیں، کوئی شر لکھا ہے تو خیر میں بدل دیں، گمراہ ہونا لکھا ہے تو ہدایت میں بدل دیں، اگر ان کا فضل و کرم تھوڑا ہے تو اسے بڑھا کر اتنا کر دیں کہ ہماری جھولیاں ہر طرح کے کرم سے لبریز ہو جائیں، ہمیں ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنے والا بنا دیں۔ اے ہمارے رب، آپ بابرکت و بلند ہیں، ہماری دعائیں قبول فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارا نام اپنے نیک بخت اور فرما بردار بندوں میں لکھ کر ہمیں آپ کی مرضی کے مطابق رہنے کی ہدایت دیجیے، آمین۔